भाई मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। तो मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात। मैं मांगता है समय मिलना चाहिए। लंबे समय के बाद बिहार की राजनीति में एक ऐसा अवसर पैदा हुआ जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं। हालांकि मौका और दस्तूर बिल्कुल अलग था। चिराग पासवान अपने पिता की बरसी के अवसर पर आमंत्रण देने के लिए गए हुए थे राबड़ी आवास। उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें खुल करके आती है। खबरों में हमने आपको बताया कि बहुत सारी बातें हुई जिनमें से कुछ ऐसी मुख्य बातें हुई जिसे आप तक पहुंचाना जरूरी था क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम बिहार की राजनीति में होता दिख रहा है। दोनों के बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहे थे। जिस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और एक सुर में बोल रहे थे वो ये कहानी कह रहा था कि दो युवा जो लगातार इस देश और बिहार की राजनीति में अपनी विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो अब एक नए दौर की राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस इशारा में कहीं ना कहीं एक बात जरूर थी कि क्या नीतीश कुमार इन दोनों की बात मानेंगे। अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से दोनों ने ही नीतीश कुमार को अंतिम ऑफर दे दिया और यह अंतिम ऑफर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध था। लगातार 16 सालों से अगर बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। बार बार इस बात की चर्चा रामविलास पासवान ने भी की है और लालू प्रसाद ने भी की है। आपको याद होगा वो दौर जब नरेंद्र मोदी को लेकर के उनके व्यवहार को लेकर के उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर किसी ने सबसे पहला विरोध किया था तो रामविलास पासवान थे। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रिएक्ट तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था और राजधर्म की बात आई थी। लेकिन बात उससे आगे बढ़ गई। नीतीश कुमार उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए 2013 में इसलिए अलग हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नाम आ जाता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का और यह अवसर होता है जब नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन यह दुराव उनको बर्दाश्त नहीं होता है और मात्र 2 साल या 3 साल में वो फिर से एनडीए के खेमे में चले जाते हैं। तब जाते हैं जब लालू प्रसाद उनको सपोर्ट करते हैं और एक कठिन समय में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने और बनाने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब समय वक्त बदल गया है ना। लालू प्रसाद उतने सक्रिय राजनीति में हैं, अस्वस्थ रहते हैं, उम्र भी हो गई है और रामविलास पासवान तो अब रहे नहीं। ऐसी स्थिति में दोनों के पुत्रों ने यानी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने दोनों ने ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अंतिम ऑफर दे दिया है कि यदि आप बिहार और देश की राजनीति में आगे भी इसी तरह से सर्वाइव करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और वास्तव में आप सामाजिक धारा के जुड़े हुए नेता हैं तो आपको कुछ और करना चाहिए। हालांकि संदर्भ दूसरा था। सीधे तौर पे चिराग पासवान ने कहा कि चाचा जी तो मुझे समय ही नहीं देते और यही कारण है कि आज दोनों में दूरियां हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि जब जब उन्होंने समय मांगा है नीतीश कुमार से नीतीश कुमार हमेशा टालते रहे। आज भी जब वो मिलना चाह रहे थे तो वो अभी तक समय नहीं दिए। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, उनको साथ आना चाहिए और एक इतने बड़े नेता के इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने, उन्हें याद करने जरूर आना चाहिए। बिहार के लिए गौरव की बात है कि रामविलास पासवान ने एक बड़ी विरासत छोड़ी है राजनीतिक लोगों के लिए। सुनिए क्या कहा है दोनों ने, दोनों की बातें सुननी आपको चलनी चाहिए। भाई मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया मैंने जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले जरूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात का। लेकिन ऐसे अवसर पर अगर कोई समय मांगता है तो समय मिलना चाहिए, कोई इसमें हानि वाली बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।